आप सभी भाइयों के लिए ये संडे नॉर्मल संडे होगा, बट मेरे लिए ये संडे नॉर्मल संडे है नहीं, क्योंकि आज के दिन मैं पकड़ने जा रहा हूँ जेड ड्रैगन को। जी हाँ गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने लेजेंडरी पाल फ्रॉस्टेलियन को पकड़ लिया था, आज मैं जेड ड्रैगन को पकड़ने वाला हूँ फ्रॉस्टेलियन के मदद से, और मैं ढेर सारे पालों को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जेड ड्रैगन को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए गाइस मैं अपना बेस जेड ड्रैगन के पास ही बना लूँगा, ठीक है, एक थर्ड बेस बना लूँगा, देन उसमें स्ट्रॉन्ग पाल्स को रखने वाला हूँ, एंड देन जेड ड्रैगन के साथ बैटल करने वाला हूँ, एंड एंड में मैं जेड ड्रैगन को पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। मैंने इस मैप में जितने भी बॉसेस थे सभी को हरा दिया, सिवाय एक बॉस को हराना है, वो है शैडो बिग बॉस, ठीक है। बट शैडो बिग बॉस को हराने के लिए मुझे सारे के सारे लेजेंडरी पालों को पकड़ लेना पड़ेगा। एनीवेज यार, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर बर्फीले जगह में एक बॉस है, उसको डेफिनेटली हराना पड़ेगा, और कोई है नहीं। आई थिंक वो बर्फीला जगह वाला शैडो बिग वाला बॉस ही होगा, ठीक है, जिसके पास शैडो बिग है। इस वाले बॉस के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है, इस वाले बॉस को मुझे हराना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला हाँ, इस वाले बॉस को मुझे हराना पड़ेगा। तो चलो गाइस अपने बेस में जाते हैं, अपने पालों को सेट करते हैं, एंड देन जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। गाइज मैंने अपना टीम भी सेट कर लिया, ठीक है, ये मेरा टीम है नहीं, मैंने बीकन और फैन ग्लोब को इसलिए रखा हूँ क्योंकि मुझे जेड ड्रैगन के पास जाना पड़ेगा, एंड जेड ड्रैगन के पास जाने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे सबसे नज़दीकी फास्ट ट्रैवल पॉइंट पे जाना पड़ेगा, आई थिंक नज़दीकी फास्ट ट्रैवल पॉइंट आई थिंक ये वाला रहेगा, येस। तो इसी वाले फास्ट ट्रैवल पॉइंट पे चलते हैं, येस, जर्मन टाइट को भी ले लेते हैं क्योंकि समुंदर में ये काम आएगा। ओके, सो आई एम रेडी, हैंड हाँ फैन ग्लोब को ले लेता हूँ, फैन ग्लोब को तो लेना मैं भूल ही चुका हूँ। सो अब चलो फास्ट ट्रैवल करके इधर जाते हैं। दोस्तों मैं इधर तो आ चुका हूँ, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुंदर है, एंड फैन ग्लोब तो पार नहीं कर पाएगा, एंड जर्मन टाइट को मैं अभी समुंदर में नहीं लेके जा पाऊंगा, बिकॉज जर्मन टाइट के लिए मैंने सैडल ही नहीं बनाया है यार, मैं तो वो भूल ही चुका हूँ। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास बीकन है, बट थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है, क्या फैन ग्लोब पानी में डूब जाएगा, इसको तो नहीं डूबना चाहिए, बट स्टिल एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यार मुझे नहीं लग रहा है कि ये पानी में जा पाएगा, क्योंकि ये तो एक वाटर टाइप है नहीं। हाँ मुझे पता है कि ये वाटर टाइप हमले यूज़ कर सकता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसका स्टेमिना गिर रहा है, जैसे इसका स्टेमिना गिरेगा ये मेरे को पानी में फेंक देगा, तो इससे अच्छा है गाइस मैं, यार और ये तू किसको मार रहा था यार, ये किसी को मार रहा था, इससे अच्छा गाइस मैं बीगन के ऊपर बैठ करके आराम से यार समुंदर को पार कर लूँ, ठीक है। अरे बेचारे इसको क्यों मार दिया यार तुमने, कैल्पसी को। ओके सो यार बीगन के मदद से मैं इस समुंदर को क्रॉस कर लूँगा, ठीक है, एंड यार बहुत ज़्यादा खतरनाक मुकाबला होने वाला है, बट डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, मैं थर्ड बेस बना लूंगा एकदम जेड ड्रैगन के पास में ही, थर्ड बेस बना लूंगा, एंड जैसे ही जेड ड्रैगन मेरे को अटैक करने आएंगे, मेरे सारे के सारे पाल्स जेड ड्रैगन को यार अटैक करने वाले हैं, जब जेड ड्रैगन का हेल्थ कम हो जाएगा तब मैं अपना लेजेंडरी स्पीयर फेंक करके जेड ड्रैगन को पकड़ लूंगा, एंड एक बार जेड ड्रैगन हाथ में आ जाए फिर गाइस मैं शैडो बिग बॉस को चैलेंज देने के लिए डेफिनेटली जाऊंगा यार, क्यों नहीं जाएंगे। ओके फाइनली यार बहुत दूर ट्रैवल करने के बाद मैं फास्ट ट्रैवल पॉइंट तक तो आ गया हूं, एंड यहां पर तो एक बहुत बड़ा फोर्ट है यार। हाँ गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा फोर्ट है, ये देख रहे हो यार, अभी रात का समय है इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, बट डेफिनेटली जेड ड्रैगन को हराने के बाद कल वाले एपिसोड में डेफिनेटली इस वाले जगह में आकर के चेक करूंगा कि कौन कौन से पाल मुझे मिलेंगे, ठीक है। एनीवेज फास्ट ट्रैवल पॉइंट को अनलॉक कर लिया हूं, क्योंकि ये नज़दीकी सबसे फास्ट ट्रैवल पॉइंट है, इनकेस अगर मैं मर जाता हूं यार फिर मैं इस वाले फास्ट ट्रैवल में आ करके यार जेड ड्रैगन के साथ मुकाबला कर लूंगा फिर से, जैसे कि देख पा रहा हूं हाँ ये फोर्ट ही है। तो चल आ जा बीकन, ये बीकन क्या कर रहा है, बीकन तू क्या कर रहा है, ये बीकन मेरे को उठा ले यार, ये बीकन बीकन, ओके चलो जी बीकन ने मेरे को उठा लिया, एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सुबह का टाइम होने वाला है तो मेरे लिए अच्छा है, एंड आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो ये काफ़ी एक बड़ा किला है यार, पता नहीं गाइस कौन से महाराजा या फिर राजा का ये किला होगा। एनीवेज गाइस मैंने एक चीज़ तो आप लोगों को बोला ही नहीं है, मैंने एक चीज़ अच्छा बोला था यार पिछले एपिसोड में आप लोगों को बोला था कि यार पाल वर्ल्ड का अपडेट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। पाल वर्ल्ड को ख़त्म करने के बाद मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए यार, मैं बहुत ज़रा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा गेम खेलूँ, कोई मस्त सा सर्वाइवल गेम ही खेलूँगा। अच्छा यार मेरे दिमाग में आ गया यार, मैं खेलूंगा ड्रैगन्स ड्रॉगमा 2। ड्रैगन्स ड्रॉगमा 2 एक बहुत ही बढ़िया गेम है, अगर थोड़ा सा क्लिप देखना है तो ये देखो। सो गाइस आप लोगों ने क्लिप देख लिया ना, बहुत ही बढ़िया गेम होने वाला है। इस गेम में हम लोग मिथिकल क्रीचर्स को टेम भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गेम होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर तो कुछ सॉर्सरर्स हैं यार, सॉर्सरर्स नहीं यार इन लोग के पास, लेकिन यार ये गन है, ठीक है, मतलब फायर वाला गन है जिससे कि मुझे ये लोग जला करके मार सकता है, बट मैं इन लोग को डेफिनेटली मारूंगा। और देख रहे हो कैसे मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, चलो जर्मन टाइट को निकाल देता हूँ यार। आप जर्मन टाइट मारेगा, ओ जर्मन टाइट तो यार ड्रैगन्स ब्रेथ यूज़ करे, मेरे को लगा था जर्मन टाइट यूज़ करेगा यार हाइड्रो लेज़र, बट हाइड्रो लेज़र इन लोग के ऊपर यूज़ नहीं करने से भी हो जाता यार, ये लोग काफ़ी वीक है। एनीवेज
इन लोग के पास क्या, अरे यार मेरे को आग से मारने की कोशिश कर रहे हो भाई, मर जाओगे यार, चलो इन लोग को मार दिया हूँ, चलो लेट्स गो यार। जर्मन टाइट के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है एंड मुझे यार अभी भी बहुत दूर जाना है यार, बहुत दूर जाना है लिटरली यार, अब बीक एंड फैन ग्लोब सभी को यूज़ करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने सारे फ्लेम बेली है यार, एंड वाओ गाइस यहाँ पे ढेर सारे वेंड्रेम भी मेरे को दिखाई दे रहे, कुछ अंडे दिखाई दे रहे हैं। इस अंडे को लेकर के जाऊँ क्या, इस अंडे को लेकर के जा सकते हैं यार, बट इस अंडे में से क्या निकलेगा पता है, इस अंडे में से निकलेगा आई थिंक फ्लेम बेली, बट यार मन के शांति के लिए लेकर के जाना। ऑलरेडी गाइस मेरे पास कितने अंडे हैं आप लोग देख पा रहे हो, अरे चलो इसको, अरे पिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अरे यार मैंने हॉर्न को फिर से पिक कर लिया, चलो हैंड को अभी इधर डालना पड़ेगा, अब शायद से आराम से, यस स्कॉचिंग एग को मैंने उठा लिया, अब चलो ओके ज़्यादा दूर तो है नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे, बट मुझे लग रहा है इधर से मुझे फिर से बीकन को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यार फैन ग्लोब तो इस वाले वाल को पार नहीं कर पाए। अगर मेरे पास पेल्डियाज या फिर नेक्रोमस का सैडल होता फिर वो लोग ट्रिपल जंप करके लेकिन उठा देते हैं, बट अभी यार अभी के लिए मैं फैन ग्लोब की मदद से इस बड़े से वाल को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। चलो 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 ओके बीकन थैंक यू सो मच। अरे बाप रे यहाँ पे तो मैग्मा वाटर है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बहुत नज़दीक में हूँ, बहुत ज़्यादा नज़दीक में हूँ जेट ड्रैगन के, एंड लेट्स गो बीकन लेट्स गो, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग हरा लेंगे ठीक है। अरे गाइस ये क्या है, अरे गाइस ये इंसिनरेम है क्या, अरे वाओ गाइस इंसिनरेम, ये वाला पाल मेरे पास नहीं है तो यार जाते जाते इसको भी पकड़ लेना पड़ेगा। भाई साहब तूने मेरे को अटैक करा, अब तुम लोगों को मैं उड़ाने वाला हूँ, रुक जा। अरे यार ये लगा ही नहीं यार, अरे यार ये लगा ही नहीं, ये भी लगा नहीं यार, अब शॉक वेव मार करके देखना पड़ेगा, शॉक वेव लगा क्या, अरे ये भी लगा नहीं यार, तो एक काम करते हैं मुझे डिसमाउंट होना पड़ेगा, चलो डिसमाउंट हो लेता हूँ। बीकन तू लड़ ले, जैसे ही इन लोग का हेल्थ कमेगा इन लोग को मैं हराऊंगा ठीक है, पर एक मिनट गाइस मैं पेल्डियास को ही निकाल लेता हूँ ठीक है, बट मुझे यार ठीक नहीं लग रहा है, अरे यार इसलिए ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि पेल्डियास वन शॉट दे देंगे एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एक तो गया, अरे ये भी गया यार, इसको मैं ऑलमोस्ट पकड़ने वाला था बट पेल्डियास ने जोर से आकर के यार टैकल करके ही मार डाला यार। ओह वो रहा और एक है, बट पेल्डियास को इस बार नहीं भेजने वाला हूँ, इस बार मैं भेजने वाला हूँ फैन ग्लोब को ठीक है। फैन ग्लोब अपने वाटर टाइप मूव से इसका हेल्थ थोड़ा सा कम करेगा, एंड गाइज ये फायर एंड डार्क टाइप है, वाओ वाओ गुड यार, फायर एंड डार्क टाइप इज़ ए गुड कॉम्बिनेशन। जल्दी से मार, एसिड रेन यूज़ करें, एसिड रेन से इसको फटका तो पड़ेगा जी, हाँ अच्छा फटका ही पड़ा, एंड आई थिंक आई कैन कैच हिम नाउ। चलो मैंने यार हाइपर स्पेयर फेंका हूँ, अरे यार हाइपर स्पेयर से भी नहीं आया क्या, अरे ये भी लगा नहीं, ये भी लगाना है, ओके इसमें से आई थिंक आ जाएगा, इस बॉल में डेफिनेटली आ जाएगा, ओके देखते हैं देखते हैं, ओके 100% आ गया चुका है गाइस, ये वाला पाल मेरे पास था नहीं तो ये वाला पाल भी मेरे पास आ चुका है। अब मुझे ज़्यादा दूर वैसे जाना नहीं है, जेड ड्रैगन के बहुत ज़्यादा नज़दीक में हूँ, सो फटाक से चल लेते हैं, लेट्स गो। फाइनली गाइस जिस पल का इंतजार था वो पल आने ही वाला है क्योंकि हम लोग जेड ड्रैगन के एकदम करीब में हैं ठीक है। फटाक से यार फैन ग्लोब को निकाल करके जेड ड्रैगन कहाँ पर है वो चलो देख लेते हैं, एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो वो है द लेजेंडरी ड्रैगन पाल जेड ड्रैगन। अब मैं फटाक से अपना थर्ड बेस इधर सेटअप कर लेता हूँ एंड अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वाले पाल्स को बेस में रख लेता हूँ। चलो जी बेस भी मैंने बना ली है, अब चलो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वाले पालों को मैं इस वाले बेस पे सेट कर रहा हूँ ठीक है। सारे के सारे मैंने बाई लेवल पे सेट करा एंड जितने भी स्ट्रॉन्ग है, एस्टागॉन फिर शेडो बीक फिर अपना अनुबिस एंड देन ये नेक्रोमस यार रैप्ट्रियो सुजैको सबको किंग पाका को सबको सबको सेट कर रहा हूँ ठीक है। और जरूर सभी को सेट कर देता हूँ फटाक फटाक से सेट कर देते हैं ओके, एंड आप शायद से जर्मन टाइप को भी सेट कर लेना चाहिए ओके डन, एंड एक मिनट हाँ ओके ओके डन। एंड मेरे टीम में जैसे कि देख पर फ्रॉस्टेलियन लिलिन वो सब है एंड यहाँ पर ये सब पाले हैं ओके गाइस। अब मैं जेड ड्रैगन के साथ लड़ने वाला हूँ ठीक है, फ्रॉस्टेलियन को भेजूंगा एंड देन फाइट करने वाला हूँ। जब जेड ड्रैगन मेरे को चेस, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जेड ड्रैगन को अपने तरफ खींच करके लेके आना पड़ेगा ठीक है। आई हैव टू अट्रैक्ट जेड ड्रैगन, उसको मेरे पीछे पीछे लेके आना पड़ेगा एंड देन मेरे बेस के तरफ लेके आना पड़ेगा, एंड जैसे वो मेरे बेस के तरफ आएगा जेड ड्रैगन को मेरे सारे के सारे पाल्स अटैक करने वाले हैं। तो चलो यार फ्रॉस्टेलियन को निकाल दो, बट फ्रॉस्टेलियन फाइट नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों, अब शायद से फाइट करेगा क्योंकि जेड ड्रैगन ने देख लिया, अब देखते हैं क्या होता है सीन ठीक है। एंड वो लोग तो उधर पूरा काम कर रहे हैं, अरे बाप रे गाइस दोनों के, अरे यार अरे गाइस फ्रॉस्टेलियन तो बहुत बढ़िया यार डैमेज दे रहा है यार। एंड एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ यार, जेड ड्रैगन का एचपी यार फ्रॉस्टेलियन से कम है ठीक है, क्योंकि फ्रॉस्टेलियन का 13,000 आई थिंक, फ्रॉस्टेलियन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पाल इन पाल वर्ल्ड ठीक है, क्योंकि फ्रॉस्टेलियन एक आइस टाइप है, आइस टाइप के पास एडवांटेज होता है ठीक है, बट फ्रॉस्टेलियन को भी ये पेल रहे ठीक है फायर वाले हमले का यूज करके, बट फ्रॉस्टेलियन जेड ड्रैगन को फ्रोज कर रहा है, फ्रीज कर रहा है आई मीन
ये चीज मेरे को देख करके मजा आ रहा है यार, सीरियसली मजा आ रहा है। ओ हो यार सीरियसली मजा आ रहा है यार, बहुत हेल्प कमा दिया। चलो गाइस फोटो मोड के मदद से देखेंगे। ओरे यार वेरी नाइस यार, क्या मुकाबला हो रहा है गाइस, क्या मुकाबला हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सीरियसली बहुत मुकाबला। ओ ये लेकिन खतरनाक चीज हो गया। क्यों खतरनाक चीज हो गया? फ्रॉस्टेलियन गिर चुका है गाइस मैग्मा में, एंड आई थिंक गाइस अब फ्रॉस्टेलियन बचेगा नहीं। यार जेड ड्रैगन ने ये बहुत अच्छा तरकीब यूज करा, फ्रॉस्टेलियन तो मेरी टीम में बचा है नहीं, अब लिलिन को भेज रहे हैं। ठीक है लिलिन, ओके लिलिन मारो मारो मारो, आइस टाइप हमले यूज करके ही हम लोग हरा सकते हैं जेड ड्रैगन को। ठीक है मेरा सबसे स्ट्रांग आइस टाइप तो यार फेंटी हो चुका है, लेकिन जेड ड्रैगन को मानना पड़ेगा। जेड ड्रैगन ने पुश करा एंड फ्रॉस्टेलियन जाकर के गिरा मैग्मा में। ठीक है ओके गुड गुड गुड, ये मेरे पास ही आ रहा है ब्रो। ओके भागते हैं भागते हैं भागते हैं, मुझे इसको अपने बेस की तरफ लेकर के आना पड़ेगा। आजा 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 जेड ड्रैगन आजा, यस ही इज फॉलोइंग मी, ही इज फॉलोइंग मी। ओ रे यार मेरे को पीटा इसने यार। ओके चलो फिर से लगाते हैं। ओके ओके लेट्स गो, ये मेरे पीछे नहीं आ रहा क्या? अरे यार लिलिन के साथ उधर पंगा ले रहा है। जेड ड्रैगन मैं इधर हूँ, इसने मेरे को नोटिस करा कि नहीं? ओके आई थिंक नोटिस कर लिया है। ओके आजा आजा आजा, मेरे सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पाल्स है इधर, अब मजा आने वाला। मैंने कमन एग्रेसिवली पिक कर दिया है, इसने मेरे को जला दिया है यार लिटरली। एंड लिलिन के पास एक चीज़ है जिससे कि मैं अपना एचपी हील कर सकता हूँ, पता नहीं क्यों हील नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है मेरा एचपी बहुत गंदे तरीके से डाउन हो रहा है, अब पता नहीं गाइस अगर मैं मर जाऊँगा तो काफ़ी यार दुखद भरा सीन हो जाएगा। ठीक है ओके मैंने एजुरोप को निकाला। एंड गाइस यार जेड ड्रैगन यार मेरे पाल के सामने ऑलमोस्ट आ गए। ठीक है अब सारे के सारे पाल अटैक करने वाले हैं, यहाँ पे किंग पका आइस भी है, रैप्ट्रियो आइस भी है, तो इसको तो काफी खतरनाक फटका पड़ने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे सारे के सारे पाल्स अभी अटैक कर रहे हैं जेड ड्रैगन को, बट मार मत देना यार, मार मत देना यार, कौन सा पाल किसको अटैक कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड इनफैक्ट मेरे को जेड ड्रैगन भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड गाइस इतना सारा अटैक पड़ रहा है ना, मेरा पीसी भी यार लैग हो रहा है यार, लेकिन ये चीज देखने में बढ़िया लग रहा है। सारे के सारे पाल्स अटैक करे जेड ड्रैगन को, और बाप रे एस्ट्रागन भी मार रहा है, बट यार जेड ड्रैगन को मानना पड़ेगा यार, जेड ड्रैगन को मानना पड़ेगा। हैं शैडो बिग क्या कर रहा है पता नहीं यार, शैडो बिग बस देख रहा है क्या? शैडो बिग मार मार मार, लेकिन मानना पड़ेगा यार जेड ड्रैगन के पावर को यार, सीरियसली मानना पड़ेगा यार। ये सारे के सारे पाल्स अटैक करे, स्टिल ही इज मतलब अभी तक सर्वाइव कर रहा है ये, एंड उसका एचपी इतना भी फास्टर तरीके से डाउन नहीं हो रहा है गाइस, आधे में आ चुका है। बट आधे में यार इसको लेके आ पाना भी यार कितना कठिन था यार। ओके मैं फेंक के देखता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ यार, बॉल फेंका मैंने बट कुछ भी नहीं हुआ, फिर से फेंक के देख। अरे यार मिस हो गया यार, मेरे पास बहुत कम लेजेंडरी स्पीयर्स बचा है। ओके मैंने फेंका, नहीं पकड़ पाएंगे साइड से, नहीं पकड़ पाएंगे यार, नहीं पकड़ पाया यार। चलो 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 फिर से फेंकना पड़ेगा, एक मिनट एक मिनट, मार मार हाइड्रोस्पियर अटैक कर रहा है। ओके 3000 में तो आ चुका है यार। अरे यार मेरे बॉल्स मिस हो रहे हैं, 1.90 कैप्चर परसेंटेज दिखा रहा है, देखते हैं। अरे अभी भी नहीं आया यार, इसको पकड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ओके अनुबिस भी मार रहा है, अरे बाप रे गाइस 2000 में आ चुका है गाइस। ठीक है ओके मारो मारो मारो। ओके मैंने फिर से फेंका, आप बॉल को देखते हैं, नहीं आया यार गाइस। यार मार मत देना यार जेड ड्रैगन को यार, इसको देख पाना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब फिर से फेंकना पड़ेगा। ओके फेंका मैंने, आप देखते हैं, प्लीज़ आ जा भाई। अरे नहीं आया यार, इसको कैसे पकड़ पाएंगे? अगर ऐसा ही रहेगा तो इसको तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। गाइस इसका एचपी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, एंड मेरे पास भी एक ही लास्ट लेजेंडरी स्पीयर बचा है। चलो फेंकते हैं यार, फाइनली मैंने इसको पकड़ लिया यार, मैंने यार जेड ड्रैगन को पकड़ लिया यार, लेकिन मेरे कितने सारे स्ट्रॉन्ग वाले पाल्स बेहोश हो गए, बेहोश तो नहीं हुए भाई, मर गए यार, ये लोग फेंट हो गए यार, जैसे कि देख पा रहे हो, मानना पड़ेगा। मेनेस्टिंग फेंट हो गया यार, ये देखो क्वीवरन फेंट हो गया। ठीक है सुजय को फेंट नहीं हुआ, आई थिंक शैडो बिग भी फेंट नहीं हुआ है। ठीक है चलो यार अपने इस वाले बेस को उड़ाते हैं, अभी इधर से इस बेस को उड़ाते हैं एंड अपने घर में चलते हैं, एंड जेड ड्रैगन को अभी देखना पड़ेगा। ओके थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा यार, नहीं तो जेड ड्रैगन को पकड़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, एंड फाइनली मैंने वो करके दिखा दिया। अब चलो गाइस फटाक से घर के लिए निकलते हैं, लेट्स गो टू आवर होम। Much later. यार आज का एपिसोड काफी छोटा होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। ठीक है एंड चलो अब जेड ड्रैगन को निकालते हैं, काफी खूबसूरत है यार, सीरियसली गाइस ये एकदम जेट की तरह ही दिखता है यार, जेट की तरह ही दिखता है जैसे कि देख पा रहे हो। एंड एक मिनट गाइस, जेड ड्रैगन को देख करके मुझे एक पोकेमॉन का याद आ रहा है, एक लेजेंडरी पोकेमॉन का यार, ये है ना लेटियोस एंड लेटियस की तरह क्यों दिखता है यार, मेगा लेटियोस एंड लेटियस की तरह दिखता है यार, मैं फोटो लगा दूंगा यार, आप लोग अभी यार खुद ही बोलो कि है कि नहीं यार, और एक पोकेमॉन की तरह लग रहा है बट पहचान नहीं पा रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट जरूर से करना। एंड आप लोगों से मिलता हूं कल वाले एपिसोड में, ठीक है, फेस कैम के साथ आने वाले हैं। बाय बाय, जय कृष्ण, आयो नारा।